अमेरिका दुनिया के मिलिट्री सुपर पावर है। अमेरिका दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा अपने रक्षा बजट पर खर्च करता है, लेकिन चीन भी हर वक्त सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका को चुनौती देता है। चीन अमेरिका के मुकाबले सैन्य ताकत में कहां ठहरता है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, आइए जानते हैं अजब गजब फैक्ट्स के इस नए एपिसोड में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आप देख सके हमारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, चीन की आबादी अमेरिका से कहीं ज्यादा है। जनसंख्या के मामले में चीन दुनिया में पहले नंबर पर है, जबकि भारत का नंबर चीन के बाद आता है। इसके बावजूद सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है, जिसका बड़ा कारण है अमेरिका का रक्षा बजट। अमेरिका अपनी GDP का 3.1% अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए प्रयोग करता है, जो कि $600 बिलियन के करीब है। वहीं चीन अपनी GDP का 1.9% अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में प्रयोग करता है, जो कि लगभग $228 बिलियन के करीब है। दोस्तों, अगर बात की जाए आर्म्ड फोर्सेस की, तो चीन में सिपाहियों की संख्या अमेरिका से कहीं ज़्यादा है, जहाँ अमेरिका के पास 12 लाख एक्टिव और 8 लाख के करीब रिजर्व सिपाही हैं, वहीं चीन के पास 23 लाख के करीब एक्टिव और 80 लाख के करीब रिजर्व सिपाही हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका के पास आर्मी के अवेलेबल सैनिकों की संख्या 7 करोड़ के करीब है, वहीं चीन के पास इनकी संख्या लगभग 38 करोड़ है। दोस्तों, बात करते हैं टैंक्स की। चीन के पास 7,760 टैंक्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 6,393 टैंक्स हैं। अमेरिका के पास आधुनिक हथियारों से लैस व्हीकल्स की संख्या 40,000 के करीब है, जबकि चीन के पास ऐसे व्हीकल्स की संख्या सिर्फ 600 है। दोस्तों, अगर तोपों और रॉकेट्स की बात की जाए तो चीन अमेरिका से आगे है। चीन के पास 9,726 तो अमेरिका के पास 3,269 तोपें और रॉकेट्स हैं। एयरफोर्स, दोस्तों चीन के सिपाहियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका एयरफोर्स के मामले में चीन को मात देता है। अमेरिका की एयरफोर्स इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी भी देश के एयरफोर्स को ख़त्म कर सकती है। हवा में अमेरिका चीन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अमेरिका के पास 12,000 के करीब तो चीन के पास 4,000 के करीब एयरक्राफ्ट्स हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स सबसे आधुनिक हैं, जबकि चीन के पास अभी भी आधुनिक एयरक्राफ्ट्स की कमी है। नेवी, अगर दोनों देशों की नेवी की बात की जाए तो दोनों देश बराबर हैं, लेकिन अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स उसे चीन से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। अमेरिका के पास 20 तो चीन के पास केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। दोस्तों, चीन में आर्मी की संख्या अमेरिका से बहुत अधिक है, लेकिन अमेरिका अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी से आगे आने वाली भविष्य की जंग को लड़ने में खर्च करता है। अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद युद्ध में अपने सैनिकों की रक्षा करना है, जहां वो हमला करने के लिए ड्रोन्स और गाइडेड मिसाइल्स पर अधिक ध्यान देता है, जिससे उनके सिपाहियों को कम से कम जान माल की क्षति हो। टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर अधिक ध्यान देने की वजह से अमेरिका चीन से आगे है। दोनों देश आपस में प्रतिस्पर्धा में हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत के अमेरिका से रिश्ते अच्छे हैं, जबकि चीन के साथ उसके संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। डोकलाम के मुद्दे पर चीन ने भारत को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि भारत के रूस के साथ भी संबंध अच्छे हैं, जिसने 1971 की लड़ाई में, जब अमेरिका सहित दुनिया के सबसे बड़े देश भारत के खिलाफ थे, तब भी भारत का साथ दिया था, जिसका वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन और अमेरिका में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ।